आप देख रहे हैं अनमोल न्यूज 24 खबरों की नई उमंग। रायपुर जिले के खरोरा में 50 बेड वाले अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आनंद हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर धरसीवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आनंद हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान विधायक अनुज शर्मा ने फीता काटकर नए अस्पताल की शुरुआत की। गणेश पूजा और राजगीत के साथ समारोह की शुरुआत की गई, जिसमें आमंत्रित अतिथियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज करवाई। आमंत्रित अतिथियों का गुलदस्ता के साथ छत्तीसगढ़िया पकवानों का बॉक्स भेंट कर स्वागत किया गया। हॉस्पिटल के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर हेम कुमार वर्मा का सभी ने गुलदस्ता भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य अतिथि अनुज शर्मा व आमंत्रित अतिथियों ने पूरे हॉस्पिटल परिसर का भ्रमण कर दी जाने वाली सभी सुविधाओं के बारे में जानकारियां ली। इसी के साथ सभी ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त आनंद हॉस्पिटल के संचालन हेतु बधाई दी। कार्यक्रम में किसान नेता राजू शर्मा, नगर पंचायत कुरुद अध्यक्ष तपन चंद्राकर, पूर्व जनपद अध्यक्ष देवव्रत नायक, खरोरा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद देवांगन सहित अतिथिगण व बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। इस अवसर को और भी खास बना दिया आनंद हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर चांदनी चंद्राकर वर्मा के जन्मदिन ने। मंच पर केक काटकर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया और सभी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। 50 बेड वाले इस हॉस्पिटल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डॉक्टर चांदनी चंद्राकर वर्मा व डॉक्टर देवेश वर्मा ने बताया कि ये अस्पताल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करेगा। कार्यक्रम का मंच संचालन आरजे निमेश द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन पल्लव वर्मा ने किया। आप सभी को ये जानकारी देना आवश्यक है कि आनंद हॉस्पिटल का ये तीसरा शाखा है। इससे पहले आनंद हॉस्पिटल की दो शाखाएं बलौदाबाजार जिले के पलारी और जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। अब खरोरा में खुली नई शाखा आनंद हॉस्पिटल अंचल के निवासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज 24। देखिए, आनंद हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा है खरोरा नगर की। बहुत दिनों से एक जो ज़रूरत महसूस हो रही थी कि एक बड़ा हॉस्पिटल हो, तो 50 बेडेड हॉस्पिटल देवेश वर्मा जी और चांदी चंद्राकर जी ने जो आनंद हॉस्पिटल का जो सीरीज़ बनाया, उसमें आज खरोरा में इसकी शुरुआत हो रही है। ICU है, NICU है, 50 बेडेड हॉस्पिटल है, सारी सुविधाओं से युक्त हैं। अलग अलग स्पेशलिस्ट यहाँ आते रहेंगे। मुझे लगता है हमारे क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्यगत सेवाओं के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। और ये भी होना है इस अस्पताल में कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल सकेगा, और सरकारी योजनाओं से जुड़कर ये अस्पताल काम करेगा, तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर सौगात है। आज जो है हमारा हॉस्पिटल आनंद हॉस्पिटल का तीसरा यूनिट का ओपनिंग है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम निरंतर जो काम कर रहे हैं उतना हमको लोगों से प्यार मिल रहा है, ताकि जो संघर्ष है, संघर्ष की कड़ी हमारी पूरी होती जा रही है, सफलता के जो कदम है उसको हम छूते जा रहे हैं। लोग जो है हमेशा जो सफल हो जाता है उसको देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं देख पाते हैं। तो उसके पीछे जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा है। दिन रात मेहनत करके, एक करके लोगों के सेवा के लिए हम लोग हर 24 आवर तत्पर रहते हैं। वो सुविधा जो है, जो हम लोग पलारी और बलौदा बाज़ार में अभी देते हुए आए हैं, उसको हम बढ़ाते हुए अब खरोरा में नया हॉस्पिटल आनंद हॉस्पिटल का ब्रांच जो है वो डाले हैं। इसमें ये जो है वो सर्व सुविधा युक्त तो हॉस्पिटल होगा, इस अंचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा जो 50 बिस्तरों का है। और सर्व सुविधा युक्त तो होने के साथ साथ इसमें सभी ऐसी सुविधाएं हैं जिनके लिए हमें भागकर रायपुर जाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसमें हमारे हॉस्पिटल में ICU, NICU, कैजुअल्टी, सिटी स्कैन, ट्रॉमा सेंटर, डिफरेंट तरीके के आधुनिक उपकरण के साथ में बनाया गया ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, ये सारा चीज़ को देखते हुए बनाया गया है, ताकि पेशेंट जो है इमरजेंसी में आए तो उसे कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही छत के नीचे उसे डायग्नोसिस भी हो जाए, उसे ब्लड का ज़रूरत पड़े तो ब्लड भी मिल जाए, उसे सिटी स्कैन या सोनोग्राफी का ज़रूरत पड़े या एक्सरे का ज़रूरत पड़े तो वो भी हो जाए, और उसका इलाज कम समय में जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि समय कम, समय के अभाव में जो कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं कि उनको सही टाइम पे
उपचार नहीं मिल पाता। ये जो चीज़ है वो हम उस चीज़ को ये सोच के बनाए हैं कि ये सारा चीज़ एक साथ रखें, इसलिए कि कम समय में हम उपचार कर सके, जल्द से जल्द मरीज़ का ट्रीटमेंट हो सके और वो जल्दी ठीक होकर के जा सके। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारी सारी टीम आनंद हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और सारे स्टाफ जो है वो दिन रात अपना एक करके मेहनत करते हुए इस अवसर तक हमको लेकर आए हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आशा करती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग बाकी जगह पे अपने सेवा प्रदान कर रहे हैं तो यहाँ पे भी उतना खड़े उतर के दिखाएं और उतना ही प्यार मिले लोगों का। अनमोल न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें।